जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मेरा ये फोन मैसेज से भरा है कि सर फिर नहीं हुआ सिलेक्शन, 570 आ गए, 80 आ गए, 90 आ गए, 604 पे भी नहीं मिला कॉलेज। प्यारे बच्चों, अपने पूरे 40 साल के करियर में अगर हमने काम किया है तो आप जैसे बच्चों के लिए किया है, क्योंकि शायद मैं भी उसी बैकग्राउंड से आया हूँ। हो सकता है आपका फोन नहीं उठ पाता हो बाती हो बाती हो व्यस्तता की वजह से, लेकिन बच्चों दिल में आप सब होते हो। 500 स्कोर करके भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बिल्कुल टूट चुका हूँ सर, बिल्कुल बेटा टूटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको डॉक्टर ही बनना है तो टूटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब कोई इस तरह की स्थिति और परिस्थिति आए तो बेटा हमें थोड़ा इतिहास की तरफ देखना चाहिए कि क्या ऐसे बच्चे सफल नहीं हुए हैं। हो सकता है आपके बहुत दोस्त मित्र हुए हों। धीरे धीरे बेटा हर साल हम लोग भी अपने ज्ञान को इम्प्रूव करते हैं, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि 40 साल मैं पेपर दे चुका हूँ मेडिकल एंट्रेंस का, और हर बार कुछ ना कुछ सीखता हूँ और हर बार अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा हर पल आप सबके बारे में सोचने में बीतता है। शायद हमारे न्यूरॉन में आपके अलावा और कुछ नहीं होता। रात में सोने से पहले और सुबह जगने के बाद सिर्फ आपके बारे में काम करने का मन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इतिहास देख लीजिए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जज्बे को सलाम, 9th अटेम्प्ट में नीट क्लियर किया, और ये मेरा प्यारा बच्चा इस समय सैफई मेडिकल कॉलेज में है। ये सिर्फ ये बोलता था कि सर हम सब कुछ कर चुके थे, सोचा आपके पास भी आके एक बार देख लें, कॉलेज मिल गया। एक दो नहीं बेटा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर देखिए हमारा ये बच्चा सचिन अग्रवाल, कानपुर का ही था ये। इसका एडमिट कार्ड देखिए, इसका रिजल्ट देखिए। मैं बेटा कोई बात हवा में नहीं करता, लोग कहते थे लड़का बिगड़ गया है, अब पढ़ूंगा एम्स में। ये अभी बेटा इसी साल की बात है, 2017 से 2023 में बच्चे को मंजिल मिली 695। ये बच्चे का पूरा एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे MBBS ही करना था, चाहे जितने साल लग जाते। बहुत निराश था ये बच्चा। 2015 से जर्नी शुरू की और फाइनली 636 से बच्चे को कॉलेज मिला। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से ये देखिए बच्चे का पूरा रिजल्ट है। हार नहीं मानी, फाइनली मिल गई मंजिल, 660 नंबर, 216 से इस बच्चे ने जर्नी शुरू की थी अपनी। इसी तरह से बच्चों, ये बच्चे का देखिए पूरा डिटेल SRB बैच से ही। अब यहाँ पर देखिए तीन जनरेशन एक साथ खुशी में, 2018 से तैयारी की बच्चे ने, 2023 में मंजिल मिली। ये बच्चे का पूरा डिटेल है। देखिए बच्चों, 2016 से 2023 में मंजिल मिली, ये बच्ची का पूरा डिटेल है। ये देखिए 2019 से 2023, ऐसी बच्चों बहुत ही कहानियां हैं। नहीं देख पाओगे पूरा वीडियो, देख लेना, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं, हमारा सुपर रैंकर बैच तो ऐसे ही बच्चों से भरा है जो हर जगह से निराश परेशान थक गया है। अब बच्चों करना क्या है, कुछ चीज़ें आपको एनालाइज करनी है। क्या आपने NCERT के अलावा और भी किताबें पढ़ी थी, यस आर नो टिक करिएगा। क्या पेपर के एक दिन पहले आपको अच्छी नींद नहीं आई थी। क्या आपने बहुत सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। क्या आपको लगता था कि पेपर NCERT से बाहर भी आ सकता है। इसकी एक चेकलिस्ट देंगे, उसको देखिएगा। और बच्चों, जब मैंने अपना पूरा फुल लेंथ पेपर साल भर जो कराया, नीट का पेपर कराया, और जब नीट का पेपर देखा तो बच्चों मेरा जो भी 40 साल का एक्सपीरियंस था पेपर में लगता है, और 700 नंबर बहुत आराम से आ रहे हैं अगर बच्चा सारा पेपर अच्छे से कर ले। आपके साथ दिक्कत क्या होती है, बट नेचुरल है, आप परेशान होते हो, इधर भी देख लेते हो, इधर भी देख लेते हो, कई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेते हो, बहुत सारे नोट्स भी पढ़ते हो, कुछ भी जरूरत नहीं बाबू मेरे। और इस बार और दिक्कत होगी। दिक्कत ये हो सकती है अगर तुमने नई NCERT के अलावा और NCERT के अलावा कुछ भी पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों। फिजिक्स बेटा एक बहुत बड़ा रोड़ा था, उसमें फार्मूले का जो फार्मूले पूछे गए हैं 15 से 22 तक, हमने बताया 23 में 25 सवाल आए, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। केमिस्ट्री का हार्ड स्पार्ट पर काम कर रहे हैं। बायो की चिंता मत करिए बच्चों, एक बार मन लगाकर जुट जाइए, लोगों की चिंता मत करिए,
लोगों की क्या बात है, लोग तो हमेशा कहेंगे, और आपकी उम्र में था तो हम भी अफेक्टेड होते थे, लेकिन आज मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। दुनिया कहेगी, उसको कहने दीजिए। कहते ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बिल्कुल कहने दीजिए। आज उनका समय है, उनको बोलने दीजिए, कल तुम्हारा समय आएगा, है ना। तो एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेटा अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। या तो ऐसा होता कि बच्चे 5, 6, 7, 8 में सेलेक्ट नहीं होते। हम लोग बच्चों मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं। ये बात दूसरों के लिए है, क्या करोगे 5 बार में सेलेक्ट होके, लेकिन बेटा आपके लिए नहीं है। आपके लिए ये ऑप्शन है, अगर आपका थोड़ा भी मन है तैयारी करने का, आपको लगता है आप कर सकते हो, तो एक बार जुड़ जाओ इस चैनल के साथ। आप केवल इसमें जो पेपर एक्सप्लेन हो रहे हैं उसी को देखो यार, उसी से काम तुम्हारा चलेगा। लेकिन पेपर के पहले क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात ये हम कह सकते हैं कि ये समझ लो तुम्हारा ये समय नहीं था, तुम्हारा समय आने वाला है। और निश्चित रूप से बच्चों, तुम्हारा समय 2024 है। जो भी मुझसे बन पड़ेगा, जिस लायक भी हैं, करेंगे आपके लिए, कुछ भी करेंगे आपके लिए, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम हो गया है, आपसे लगातार बात होती रहेगी। तो ये हमारे पास कम से कम 200-300 बच्चों के मैसेज हैं कि सर एक वीडियो हम लोग के लिए बनाइए। बेटा इसलिए हमने बनाया, और बेटा ये हम दिल की बात दिमाग से नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये दिल से बोल रहे हैं। तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। ऐसे सारे बच्चे जो गांव के हैं, जो गरीब हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो बिल्कुल मंजिल तक पहुंच चुके हैं, जिनको दुनिया बोल रही कि अभी भी तुम तैयारी कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, अब छोड़ दो, कुछ और कर दो, तुम बिगड़ गए हो, आप लोगों के साथ। लेकिन कुछ पाना है, कुछ करना पड़ेगा। एरिया इंटू वेलासिटी कॉन्स्टेंट है, अपना जो भी एरिया है उसको रिड्यूस करो, चाहे दोस्ती हो, मित्रता हो, रिलेशनशिप हो, लोगों का कहना हो, लोगों से अफेक्टेड होना है, बस अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो जब ये सब एरिया कम करोगे, वेलासिटी अपने आप बढ़ेगी। बस तुम ये समझ लो तुम्हारा समय नहीं था। ये बच्चे का आपने देखा 695 नंबर आपको दिखाया, ठीक है ना। पिछली बार अगर हो जाता तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, क्या पता कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है, और अब बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है, और डॉक्टर बनने के बाद बहुत बड़ा नर्सिंग होम, बहुत बड़ा अस्पताल आपका इंतजार कर रहा है, और क्या पता आपके द्वारा हजारों लाखों करोड़ों लोगों का भला होना हो, ठीक है ना। जब कुछ अच्छा मिलना होता है तो उसमें देर लगती है, ठीक है ना। और पढ़ाई बेटा कभी बेकार नहीं होती, लाइफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हो ना, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार जुड़ जाओ, किसी से बात मत करो, अपना रिश्ता एनसीईआरटी से जोड़ लो। देखो एक बात हम आपको बार बार बोलते हैं कि दोस्त मित्र तो चेंज होते हैं, लेकिन दोस्त ये जो किताबें हैं ना, चाहे हम इसको फाड़ दें, चाहे हम इसको फेंक दें, लेकिन इसके 230 पेज पे जो पहले लिखा होगा वही बाद में लिखा होगा। इसलिए एक बार इससे दोस्ती कर लो, किसी न किसी रूप में इसका फल आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है अगर कुछ भी इससे आपको पॉजिटिविटी आई हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच बच्चों। एक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, अपना आराम से पढ़ो, जहां है वहीं से पढ़ो, कोई जरूरी नहीं कानपुर जाओ, दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ, जहां हो वहां भी पढ़ के तुम सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।